कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारा UGC नेट, UPPGT या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सिलेबस हो। और आज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर में जो यूनिट 2 है, इसके अंतर्गत हमें ऐतिहासिक समाजशास्त्रियों के अंतर्गत आज के टॉपिक में हम लोग कार्ल मार्क्स जी के बायोग्राफी तथा उनकी थ्योरी को देखेंगे। और कार्ल मार्क्स समाजशास्त्र के क्षेत्र में इनका ऐसा योगदान है कि अगर आप सोशियोलॉजी के कोई भी एग्जाम देते हो तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक कि कार्ल मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही ना गया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसे पूरा अच्छे प्रकार से ध्यान से देखिए। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत ही इजी वे में जो थ्योरी को बता सकूं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में इजी हो। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हार्ड लैंग्वेज जो होता है उसको हम लोग को समझने में थोड़ा कठिनाई होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि जितना इजी से इजी वे में इसको समझाया जा सके। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स जी की बायोग्राफी तथा इनकी थ्योरी को देखेंगे। तो कार्ल मार्क्स जी की थ्योरी को जानने से पहले हम लोग इनकी जन्म मृत्यु को देख लेते हैं। इनका जन्म 1818 को हुआ था, और ये जर्मन में इनका जन्म हुआ था, प्रसा में। फिर ये फ्रांस गए, फ्रांस से फिर ये इंग्लैंड गए। तो क्यों गए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और इनकी मृत्यु हुई थी 1883 में। तो कार्ल मार्क्स जी जो थे, इनका जन्म जर्मन के प्रसा शहर में हुआ था। तो ये बेसिकली जो थे, ये पूंजीवादी के विरुद्ध थे, उनके खिलाफ ये उनका जो सिद्धांत था वो चलता था, उनकी जो सोच थी। तो उनकी सोच की, उनके थ्योरी को जर्मन में उस प्रकार से स्थान नहीं मिला। फिर जब वो फ्रांस गए तो फ्रांस में भी उनकी सोच, उनकी थ्योरी को इस प्रकार से वैल्यू नहीं दिया गया। इसके बाद वो इंग्लैंड चले गए। तो इंग्लैंड क्या था, ये पूंजीवादी का गढ़ माना जाता था। तो वहाँ पे इनकी थ्योरी को वैल्यू मिली, वहाँ पे उन्होंने अपने और थ्योरीज को दिया। अब हम लोग इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं। तो इनके इम्पोर्टेंट बुक्स में इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स की रचना की है। तो इसमें सबसे पहला जो आ जाएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विद इंगल्स। इंगल्स के साथ इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इस बुक की रचना की थी, यानी घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र, उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किया था 1848 में। और इसी बुक में इन्होंने अपनी बुक्स की शुरुआत ही की थी कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। दुनिया के मजदूरों को आह्वान करते हुए उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। सेकेंड इनकी बुक है जर्मन आइडियोलॉजी विद ईगल्स, ईगल्स महोदय के साथ। फिर इन्होंने जर्मन आइडियोलॉजी इस बुक की रचना की थी 1845 में। तो इनकी थर्ड बुक है दास कैपिटल। दास कैपिटल इन्होंने 1867 में लिखे थे, जिसे कि जो समाजशास्त्री हैं उनके लिए बाइबिल हो जाता है। यानी दास कैपिटल इतना इम्पोर्टेंट बुक है कि इसे समाजशास्त्रियों का बाइबिल के नाम से सम्मानित किया गया है, घोषित किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, इसको आप लोग याद रखिएगा जरूर। फिर इनकी फोर्थ बुक है होली फैमिली 1844 में। फिफ्थ बुक है ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। सिक्स्थ इनकी बुक है प्रॉपर्टी ऑफ फिलॉसफी, यानी फिलॉसफी की दरिद्रता। सेवेंथ इनकी बुक है ग्रोथ ए प्रोग्राम। एट इनकी बुक है फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमी। नाइन्थ इनकी बुक है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस में वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इन्होंने बात की है 1850। और इनकी इम्पोर्टेंट, इन्होंने एक कथन दिया था कि धर्म को ये समाज के लिए अफीम मानते थे। कि धर्म क्या है, समाज के लिए अफीम है। अफीम से क्या होता है, नशा होता है, लोग अंधभक्त हो जाते हैं नशा के आगे, उन्हें कोई अच्छा बुरा नहीं दिखता है। तो उसी प्रकार से उन्होंने धर्म के संदर्भ में भी कहा था कि ये जो धर्म है ये सोसाइटी के लिए अफीम के समान है, क्योंकि जब मनुष्य इसके प्रभाव में रहता है तो उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। अब हम लोग एक एक करके इनकी थ्योरी को देखेंगे। तो सबसे पहले इनका जो थ्योरी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद,
इसको देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ऐतिहासिक भौतिकवाद को देखेंगे, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत को देखेंगे, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत को देखेंगे, एक और इनके सिद्धांत है अलगाव का सिद्धांत, जिसका की वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ और बहुत ही इजी वे में समझाई भी हूँ, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए। और इस वीडियो का, इस टॉपिक का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रही हूँ, आप लोग उसे जाकर जरूर देखिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनकी एक और थ्योरी क्या है, अलगाव का सिद्धांत यानी एलियेशन थ्योरी, इनका कार्ल मार्क्स जी का है। तो अब एक एक करके हम लोग इनकी सारी थ्योरी को देखते हैं। तो सबसे पहला जो होता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, तो ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, ये सिद्धांत इन्होंने किससे प्रभावित होकर लिया था, तो हीगल महोदय से। हीगल महोदय जो थे, इनके सिद्धांत को उन्होंने अपनी थ्योरी में यूज किया था, उनसे रिलेटेड। जैसे हीगल महोदय क्या बताते हैं कि इन्होंने आत्मा को, मन को, वचन को उन्होंने इसके लिए, समाज के लिए महत्वपूर्ण माना था। और जो कार्ल मार्क्स जी हैं, ये भौतिक संसार को महत्व माने थे कि बहुत, अगर हमें आत्मा, मन, वचन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको संसार में हमको रहना है तो हम वचन से, क्रम से, हमको भौतिक वस्तुओं की तरफ, जैसे कपड़ा हो गया, वस्त्र हो गया, ये सब चीज़ अगर हमारे पास रहता है तभी हम उसके साथ रह सकते हैं। तो इसका, जैसे जब कार्ल मार्क्स जी ने इसको वर्णन किया तो इसके लिए उन्होंने एक थ्योरी बताई, वाद, प्रतिवाद और संवाद। ये किन के द्वारा बताया गया, तो कार्ल मार्क्स जी के द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में बताया गया। वे इसमें बताते हैं कि जैसे संसार में कोई भी चीज है, कोई भी विचार हुए, किसी भी क्षेत्र में हुए, तो तीन तरह का होता है। एक वाद होता है, उसका प्रतिफल प्रतिवाद होता है, उसके बाद संवाद होता है, फिर यह जो चक्र है ये इसी प्रकार से चलते रहता है। किसके अंतर्गत, द्वंद्व, मतलब हर मनुष्य के अंदर मन में ये द्वंद्व रहता है, एक इस प्रकार का द्वंद्व वो सोसाइटी के अंतर्गत रहता है। इसको हम ऐसे इजी वे में समझ सकते हैं कि अगर आपको अनाज दिया जाए, कोई अनाज का दाना दिया जाए और उसको बोला जाए कि आप इसको रोपिए, तो अब जब अनाज का दाना को रोपते हैं तो क्या उससे डायरेक्ट अनाज निकल जाता है? अनाज तो निकलता नहीं है, उससे क्या निकलता है? मान लीजिए अनाज का दाना हो गया वाद, आपको एक अनाज दिया गया वो वाद हो गया, तो आप अनाज तो डायरेक्ट नहीं प्राप्त करेंगे जब उसको रोपण करेंगे, तो उसके प्रतिफल आपको क्या मिलेगा? अनाज को जब आप रोपेंगे तो पौधा में निकलेगा उसे, तो ये क्या हो गया? प्रतिवाद। जो पौधा निकलेगा तो उसको भी क्या आप डायरेक्ट अपने भोजन में यूज कर लेंगे? नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, फिर जब अनाज निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा? संवाद। अनाज का जो दाना निकलेगा वो फिर संवाद हो जाएगा, फिर ये जो साइकिल है इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो ये सोसाइटी के अंतर्गत जितने भी विचार मौजूद है, उन सभी विचारों में वाद, प्रतिवाद और संवाद हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि कार्ल मार्क्स जी ने हीगल की थ्योरी को, जो कि पैर के बल खड़ा था, उसको, जो जिसका मतलब सिर के बल खड़ा, सिर उसका नीचे था, पैर ऊपर था, तो उसको उन्होंने सीधा कर दिया, मतलब पैर को नीचे कर दिया, और उनकी थ्योरी वही रही लेकिन उन्होंने उस थ्योरी को चेंज करके इसमें यूज किया। अब इनकी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, उसको हम लोग समझते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो ये जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई? तो जब कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अपना सिद्धांत दिया, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत देने के बाद इन्होंने किसमें दिया था? अपने पुस्तक दास कैपिटल में दिया था, ये भी हम लोग को याद रखना होगा। तो वे बोले कि क्या प्रूफ है, सोसाइटी में सब बोलते हैं ना, और भी थिंकर रहते हैं, बोलते हैं कि क्या प्रूफ है कि आपने जो थ्योरी दिया है वो सही है। तो इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत को वे लेकर आते हैं। किसमें लेकर आते हैं? तो जर्मन आयोडियोलॉजी विद ईगल्स में, ईगल्स के साथ उन्होंने जब जर्मन आयोडियोलॉजी यानी जर्मन विचारधारा, ये जो पुस्तक लिखी थी, इसमें उन्होंने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और उनके प्रस्तुत करने का कारण था कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है उसको सिद्ध किया जा सके।
तो सिद्ध करने के लिए वे प्रमुख तत्व क्या यूज करते हैं? तो ऐतिहासिक जो उन्होंने समाज था, जो इतिहास का समाज था, जो पांच प्रकार के उन्होंने समाजों की बात की थी उसका वे वर्णन करते हैं। तो वो पांच प्रकार के समाज सोसाइटी के कितने प्रकारों की बात की उन्होंने? तो पांच प्रकार के समाजों का बात किया, समाज के पांच प्रकार बताए। वे पांच प्रकार कौन कौन से थे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा आदिम समाज। उन्होंने सबसे पहले आदिम समाज के बारे में बात की कि जो पहला समाज था उसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई वर्ग नहीं था, उसमें वर्ग संघर्ष मौजूद नहीं था, सब शिकारी वर्ग के लोग थे, सबका जो मुख्य पेशा था वो शिकार करना था। तो शिकार करने के फलस्वरूप जो भी आता था, कोई भी जंतु जानवर या फल हो, सब आपस में मिलजुल के बांट के खा लेते थे। यह आदिम समाज आया। तो फिर आदिम समाज में आने के बाद क्या हो गया कि धीरे धीरे इनके पास एक पूंजीपति वर्ग के रूप में वे उभरे। पूंजीपति जो किसी के अंदर थाउट आया होगा कि चलो हमारे पास पूंजी होना चाहिए, तो जो पूंजीपति वर्ग हुआ वो एक आया। तो जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे उनके पास जब धन संपत्ति आ गई, किसी ने जब संग्रह कर लिया धन का, तो वे बोले कि अब हम लोग को अपना काम करने के लिए हम लोग को दास रखना चाहिए। तो दास प्रथा का या दास युग का प्रारंभ हो गया। तो दास प्रथा का युग होने के बाद फिर एक और वर्ग आता है, सामंतवाद का वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? तो सामंतवाद का वर्ग हमें देखने को मिलता है। वह बोलते हैं कि नहीं, पूंजीपति वर्ग भी नहीं होना चाहिए, सामंतवाद का भी वर्ग नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा वर्ग होना चाहिए जो कि साम्यवाद हो। कैसा वर्ग होना चाहिए? जो कि साम्यवाद हो। तो उन्होंने जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था, तो इसकी जो प्रमुख मान्यताओं के बारे में अगर बात की जाए तो प्रमुख मान्यताएं ये हैं कि मनुष्य जो है वो इतिहास का निर्माता है। वो जो कुछ भी उसका अस्तित्व बना हुआ है उसके लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान हो गया, उन सभी का वो आवश्यकता है। और उन सभी चीज का आवश्यकता के लिए मनुष्य को क्या करना होता है? उत्पादन करना होता है। वो उत्पादन करता है तब उसे धन की प्राप्ति होती है। तो उत्पादन का जो कार्य होता है, जो उत्पादन की प्रणाली होती है, वो किस पर निर्भर होती है? तो श्रम पर निर्भर होती है, उत्पादन की शक्ति पर होती है, औजार पर होती है। और इस प्रकार का जो घटना होता है जिसके अंतर्गत सोसाइटी में फिर परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। यानी बेसिकली उन्होंने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद को आर्थिक जगत से जोड़कर देखा कि जिसके पास धन है, जिसके पास अर्थ है, वही समाज के अंतर्गत रह सकता है। ये बात उन्होंने किसमें की थी? अपना ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के अंतर्गत की थी। तो ये दोनों हो गया। अब हम लोग थर्ड इनकी जो थ्योरी को पढ़ेंगे, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पढ़ेंगे। अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है ये बहुत ही इजी सिद्धांत है, कुछ बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि जैसे कोई वस्तु को हम लोग तैयार करते, मान लीजिए ये जो पेन है, इसको पेन को बनाने में हमको 6 रुपया लागत लगा है, ठीक है? तो मजदूर वर्ग आ गए, उसके बाद आपका जो मालिक वर्ग के लोग हुए, सरवाड़ा वर्ग, बुजुर्गवा वर्ग के लोग हुए, उन्होंने इस पेन को बनाने में 6 रुपया उनको खर्च आया। तो फिर सब कुछ ट्रांसपोर्ट ये सब जोड़ कर 6 रुपया का ये पेन हुआ। लेकिन जब इसको बेचा जा रहा है तो 4 रुपया और जोड़कर उनको इस पेन को 10 रुपये में बेचा जा रहा है। तो 10 रुपये में 6 रुपया, तो मान लीजिए लेबर का कॉस्ट ये सब मालिक तो सब आपस में बात ले रहे, लेकिन ये जो 4 रुपया जो उनको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कौन लेके चल जा रहा है? पूंजीपति वर्ग के लोग रहे। यानी अतिरिक्त मूल्य जो कि लेबर को भी मिलना चाहिए था, जो सर्वहारा वर्ग के लोग को भी मिलना चाहिए था, उनको ये अतिरिक्त मूल्य का मूल्य नहीं मिलता है। तो इसी से उन्होंने बोला कि जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इसी में उन्होंने दिया कि जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं उन्हें भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो उनको फिर समाज में स्पष्ट स्थिति अच्छी होगी ही नहीं। तो ये उनका सिद्धांत था, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसमें उन्होंने बेसिकली इसी बात को बताया। फोर्थ जो इनकी थ्योरी है, बुजुर्गवा वर्ग या वर्ग संघर्ष, इसके अंतर्गत ये बताते हैं कि हमारा
जो समाज है, समाज को कभी आप किसी भी युग से ले लीजिए और आपका वर्तमान काल को लेते हुए जो हमारा आने वाला भी काल है उसमें भी देख लीजिए, तो हर समाज में दो प्रकार के वर्ग देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया बुजुर्गा वर्ग, जो कि होता है शोषक वर्ग, जो शासन करता है, उत्पादन का भोग करता है। और एक हो गया सर्वहारा वर्ग, जो कि लेबर लोग होते हैं और जिनका मतलब उत्पादन का का कार्य करता, उत्पादन करता होते हैं, उत्पादन का भोग नहीं करते। तो सर्वहारा वर्ग के जो लोग हुए हैं, तो इस प्रकार का जो समाज के अंतर्गत दो संघर्ष हमें देखने को मिलता है, तो इसका वो कार्ल मार्क्स जी घोर निंदा करते हैं। और घोर निंदा करते हुए बोलते हैं कि हमारा जो समाज है इस प्रकार का समाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बुजुर्गा वर्ग को हैव वर्ग के अंतर्गत रखा था, अर्थात जिसके पास साधन मौजूद है, सब कुछ है, और जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं उनको हैव नॉट बोला था, मतलब इनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है। तो इसलिए वो बोल रहे कि जो आदिम समाज था वो बेस्ट समाज था, क्योंकि उस समय स्वीकार करते थे लोग, उनमें कोई प्रकार का वर्ग संघर्ष नहीं था, जो भी शिकार का सामान आता था सब आपस में मिलजुल कर खा लेते थे, तो आदिम समाज अच्छा है। लेकिन क्या ये सही था? अभी अगर वर्तमान युग को आप लीजिएगा तो उसमें अगर बोलेगा आदम नीति रिवाज को हम लोग अपना के रखें तो समाज को उन्नति क्या हो सकेगा? होना तो संभव नहीं है। तो इनकी थ्योरी, इसलिए दूसरे जो समाज शास्त्री थे उन्होंने इसकी आलोचना भी की और कि नहीं, आदिम समाज ये बेटर नहीं है। और आदिम समाज को उनको रखने के लिए वे क्या बोलते हैं कि हिंसा को अपनाना चाहिए, उन्होंने हिंसा के ऊपर भी जोर दिया था कि हम हिंसा को अपनाएंगे तभी आदिम समाज में बने रह सकते हैं। तो इस सोसाइटी के अंदर हिंसा अगर रहेगा तो वो सोसाइटी जी सकेगा, वो सोसाइटी फल फूल सकेगा, सोसाइटी के लोग आपस में अच्छे से प्रकार से रह सकेंगे, नहीं रह सकेंगे। इसलिए इनकी इस वर ये जो सिद्धांत था इनका, इसकी बहुत आलोचना हुई थी। और फिफ्थ जो इनका अलगाव का सिद्धांत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जिसका कि मैं पहले भी क्लास ले चुकी हूँ, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यही था कार्ल मार्क्स जी की थोड़ी, और इनसे रिलेटेड हम लोग MCQ कल मॉर्निंग में करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लगी होगी। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने, आप सभी का थैंक यू।